अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबीहि व अला आलिहि व असहाबिहिल मुतअद्दबीना बिआदाबी अम्मा बाद फऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين वाह क्या जुदू करम है शही बता तेरा वाह क्या जुदू करम है शही बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा हजरत आप और हम सैयद मुबारक शामिया के उर्स के मौके पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं और कुल शरीफ का वक्त करीब तर है जिन हजरत के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं उन लोगों से गुजारिश और अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस महफिल गा में तशरीफ लाएं और अपनी मोहब्बतों का सबूत दे के हमको सैयद शाह मुबारक मियां से मोहब्बत है इंशाल्लाह अगर आज हम उनकी मोहब्बत में उनकी महफिल में हाजिर होंगे तो यकीनन इस महफिल की बरकत से वो कल बरोजे कयामत हम लोगों की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे अल्लाह वालों से चाहिए और उस मोहब्बत के जाहिर करने की अलामत यह है कि उनके नक्शे कदम पर चलें और जब भी उनका जिक्र हो उनकी महफिल को सजाया जाए तो उस महफिल में हम बैठे हम यहां पर हाजिर हैं बैठे हुए हैं तो ये हमारा बैठना इस बात की अलामत है कि हमको सैयद मुबारक शामिया से मोहब्बत है इस बात की अलामत है बेशक हक है क्योंकि उनकी मजलिस में हम यहाँ पर आए हैं आने का मकसद बैठने का मकसद जिक्र सुनने का मकसद सिर्फ यही है कि हमको सैयद मुबारक शाह मियां से मोहब्बत है नहीं और हदीसे तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं हमारा बैठना ये बता रहा है कि हमको सैयद मुबारक शाह मियां से मोहब्बत है और मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है या करेगा तो कल मैदान महशर में उसका हश्र उसी के साथ होगा तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम मोहब्बत करते हैं तो बगदाद के गौसल वरा से करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम अजमेर के गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम की चौचा के मखदूम अशरफ से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम साबिर कलियरी से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम शाजी मियाँ से मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं तो हम मुबारक शाह मियाँ
दुनिया से मोहब्बत करते हैं। यकीनन जब इनकी मोहब्बत लेकर कब्र में जाएंगे तो हमारे लबों पर यही पैगाम यही अशार होंगे, लहज में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। और चिराग किसी दुनियादार की मोहब्बत का नहीं होगा, वो चिराग मुस्तफा की मोहब्बत का होगा, गौसे आजम की मोहब्बत का होगा, करीम नवाज की मोहब्बत का होगा, साबिरे पाक की मोहब्बत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो आज हम इनकी मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी मोहब्बत में हाफिज नफीस साहब क़िबला पूरी साल इस दरगाह शरीफ पे लोगों की खिदमत करते रहते हैं और हमारे छोटा भाई भी इनकी मोहब्बत में लोगों की खिदमत पूरी साल करते रहते हैं। इंशाल्लाह अगर वाकई हमको और इनको सच्ची मोहब्बत है इनसे तो कल मैदाने मैशर में अगर हमारा हश्र होगा तो हमारा इमाम कोई दुनियादार नहीं बल्कि सैयद मुबारक शाह मियां होंगे। खुतबाए मस्कूरा में मैंने सूरे आले इमरान की एक आयत करीमा की तिलावत की। इमरान नाम के दो बुजुर्ग गुजरे हैं, एक तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के वालिद और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। इन दोनों इमरान के दरमियान तकरीबन 1800 साल का फासला है, लेकिन यहां पर जो जिक्र है आले इमरान में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का जिक्र है। ये इमरान बहुत ज़ईफ हो चुके थे, इनकी बीवी हन्ना थी वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अल्लाह ने इनको कोई औलाद नहीं अता की थी। एक दिन एक दरख्त की शाख पर एक चिड़िया बैठी थी और वो अपने बच्चे को दाना खिला रही थी, तो हजरत इमरान की बीवी हजरत हन्ना ने उस चिड़िया को अपने बच्चों को जो बार बार दाना खिला रही है, बार बार अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, हजरत हन्ना बूढ़ी हो चुकी हैं, कोई औलाद नहीं है, लेकिन जब चुड़िया ने अपने बच्चे को दाना खिलाया अपने बच्चों को बोसा दिया तो इनके दिल में भी ममता उमड़ पड़ी, इनके दिल में ममता ने जन्म लिया और ये ख्वाहिश करने लगी कि काश कि मेरी भी औलाद होती तो मैं भी उसका बोसा लेती, मैं भी उसको अपनी आगोश में लेती, कभी बाहों में लेती। हजरत हन्ना ये सोच रही है, ख्वाहिश पैदा हुई, हजरत हन्ना ने उसी वक्त अपने हाथों को बारगाही इलाही में उठाया और उठाने के बाद में अर्ज किया, मौला मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, आज मैं तेरी बारगाह में मन्नत मानती हूं कि अगर तू मुझको औलाद जैसे फल से नवाज देगा तो मैं उस औलाद से अपनी जात के लिए काम नहीं लूंगी बल्कि तेरी राह में तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। हजरत हन्ना ने ये मन्नत मानी। अब गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हन्ना की दुआ को कबूल फरमा लिया। अब हजरत हन्ना की दुआ को कबूल फरमाया, कुछ दिनों के बाद हजरत हन्ना के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। जानते हो उस दौर में अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए जो बच्चे वक्फ किए जाते थे तो वो लड़के वक्फ किए जाते थे, लड़कियां नहीं वक्फ की जाती थी दीन की खिदमत के लिए। लेकिन हन्ना के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। हजरत हन्ना के घर में लड़की पैदा हुई और उस लड़की का कुरान ने नाम रखा वइन्नी समैतुहा मरियम। कुरान ने वइन्नी समैतुहा मरियम, हजरत मरियम की विलादत हुई। सुभान अल्लाह।
अब उस दौर में बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए जो वक्फ किए जाते थे वो लड़की नहीं बल्कि लड़के वक्फ किए जाते थे। जब लड़की पैदा हुई और कुरान ने नाम रखा मरियम, तो हजरत हन्ना को टेंशन हुई, ए मेरे मौला, मैंने तो तेरी बारगाह में मन्नत मांगी थी, अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, लेकिन ये लड़का नहीं लड़की है, मौला मैं इसकी कैसे परवरिश करूं, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। तो गैब से आवाज आई, ए हन्ना सुनो, हमने इस बच्ची को पैदा किया है, हम ही इसकी परवरिश करेंगे, हम ही इसको रिस्क देंगे, बस वो काम करो जिसका तुमने हमसे वादा किया है। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई, हजरत हन्ना ने हजरत मरियम को बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दिया। बैतुल मुकद्दस में बड़े बड़े सरदार थे, लेकिन उन तमाम सरदारों के सरदार हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। कौन थे? हजरत जकरिया। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम के खालू थे। कौन थे? मरियम के खालू। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को अपनी किफालत में लिया और बैतुल मुकद्दस के बालाई हिस्से में हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक जगह मुतय्यन कर दी। हजरत मरियम वहां बैठकर अल्लाह की पाकी बयान करती, अल्लाह का जिक्र करती। हजरत मरियम के पास अक्सर बेशतर वो शाम हजरत जकरिया अलैहि सलाम आते और आने के बाद खुर्दोनोश का सामान पेश करते। हजरत मरियम रिवायतों में आता है कि एक दिन में इतना ज्यादा बढ़ती थी कि बच्चा जितना एक साल में बढ़ता है, हजरत मरियम एक दिन में उतना बढ़ जाती थी। कुछ दिनों के बाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम मरियम की मेहराब में दाखिल हुए, तो कुरान कहता कुल्लमा दखल अलैहा जकरियल मेहराब, हजरत जकरिया अलैहि सलाम मेहराब मरियम में दाखिल हुए, वजदा इंदहा रिस्का, तो हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने वहां पर बगैर मौसम के फल पाए, यानी जाड़ों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल जाड़ों में, बगैर मौसम के फल पाए हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने तो ताज्जुब किया कि इन फलों का तो मौसम भी नहीं है, लेकिन ये फल कैसे आ गए, ताज्जुब किया। और ताज्जुब की बात भी है कि इंसान जाड़ों में गर्मियों के फल देखे, गर्मियों में जाड़ों के फल देखे, ताज्जुब उसको होता है। ताज्जुब किया तो सोचा कि ये फल कहां से आए, और हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने पूछा कि ऐ मरियम ये फल कहां से आए, तो हजरत मरियम ने कहा कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के पास से आए, अल्लाह ताला की जानिब से आए, अल्लाह ताला मुझको अता करता है, मैं खाती हो और मुझको ही अता नहीं करता है, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने सोचा कि जब मेरा रब हजरत मरियम को बगैर मौसम के फल खिला सकता है तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र नहीं है औलाद पाने की, लेकिन अगर मैं मरियम की मेहराब में अपने रब से दुआ करूंगा तो मेरा रब मुझको औलाद अता कर देगा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया और उठाने के बाद में कहा मौला मेरी औलाद पाने की उम्र तो नहीं है, ज़ईफ हूँ, कमजोर हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मौला आज मैं तेरी बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर रहा हूँ। हुनालिका दुआ जकरिया रब्बा, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे मौला मुझको नेक औलाद अता फरमा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और जिब्रील को भेज दिया, ऐ जिब्रील जाओ हमारे नेक बंदे को, हमारे नबी को यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दे दो। सुभान अल्लाह, मैं कहना ये चाह रहा हूं आखिरी जुमला, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हजरत मरियम अल्लाह की वलिया, एक नबी अल्लाह की वलिया की बारगाह में दुआ कर रहा है और दुआ कबूल भी हो रही,
फौरन हजरत यहया अलैहि सलाम जैसी औलाद अता कर दी, ऐसी औलाद के वो भी नबी। पता क्या चला कि अल्लाह वालों की दरबार में दुआ करना ये कोई बिदअत शिर्क नहीं, बल्कि नबी हजरत ज़करिया अलैहि सलाम की सुन्नत है। अगर चाहते तो जमजम के करीब दुआ मांग लेते, हजरत ज़करिया अलैहि सलाम की दुआ रद्द नहीं होती। अगर चाहते वो जमजम के करीब दुआ मांग लेते, इनकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर चाहते अरफात में दुआ मांग लेते, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर चाहते मीना में दुआ मांग लेते, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर चाहते मुस्तफा में दुआ मांग लेते, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम की मेहराब में दुआ मांगकर कयामत तक पैदा होने वाले लोगों को ये अकीदा दे दिया कि एक वली की बारगाह में दुआ मांगना